गुजरात का मोरबी शहर आज 43 साल बाद फिर से शमशान में तब्दील हो गया है। इस शहर ने एक बार फिर से मौत का तांडव देखा। 11 अगस्त 1979 को ये वो तारीख है जो आज भी मोरबी को याद होगा। क्या आप जानना चाहेंगे कि 1979 में ऐसा क्या हुआ था? आइए जानते हैं किस तरह 11 अगस्त 1979 को ये पूरा शहर किस तरह शमशान में तब्दील हो गया। रविवार को केबल पुल के टूटने की घटना ने 1979 के उस खौफनाक और भयानक मंजर की याद दिला दी। मोरबी में इससे पहले 1979 में भी इसी तरह का एक बड़ा हादसा हुआ था। मोरबी में 11 अगस्त 1979 को मच्छू नदी पर बना बांध भारी बारिश की वजह से टूट गया था और लगातार बारिश और स्थानीय नदियों में बाढ़ के चलते मच्छू डैम ओवरफ्लो हो रहा था। इससे कुछ ही देर में पूरे शहर में तबाही मच गई। 11 अगस्त 1979 को दोपहर 3:15 बजे डैम टूट गया और 15 मिनट में ही डैम के पानी ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते मकान और इमारतें भी गिर गईं, जिससे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और उस समय हजारों लोगों और मवेशियों की जान चली गई। इस हादसे में 1,439 लोगों की और 12,849 से ज्यादा पशुओं की मौत हो गई थी। बाढ़ का पानी उतरने के बाद लोगों ने भयानक मंजर देखा। इंसानों से लेकर जानवरों के शव खंभों तक लटके हुए थे। हादसे में पूरा शहर मलबे में तब्दील हो चुका था और चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आ रही थीं। उस समय केंद्र और राज्य में जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय के मुख्यमंत्री बाबू भाई पटेल ने करीब 6 महीने के लिए अपनी कैबिनेट मोरबी से ही शुरू की थी। नरेंद्र मोदी उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ में थे। उन्होंने हादसे के बाद वहां राहत और बचाव के काम में हिस्सा भी लिया था। इस हादसे के कुछ दिन बाद इंदिरा गांधी ने मोरबी का दौरा किया था तो लाशों की दुर्गंध इतनी ज्यादा थी कि उनको नाक में रुमाल रखना पड़ा। इंसानों और पशुओं की लाशें सड़ चुकी थी। उस समय मोरबी का दौरा करने वाले नेता और राहत और बचाव कार्य में लगे हुए लोग भी बीमार हो रहे थे। करीब 5 साल पहले जब मोरबी में चुनावी रैली के दौरान नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि मच्छू बांध त्रासदी के बाद राहत कार्य के दौरान राहुल गांधी की दादी इंदिराबेन मुंह पर रुमाल डाले हुए दुर्गंध और गंदगी से बच रही थी, जबकि संघ के कार्यकर्ता कीचड़ और गंदगी में घुसकर सेवा भाव से काम कर रहे थे। गुजराती मैगजीन चित्रलेखा ने इंदिरा की तस्वीर पर राजकीय गंदगी और संघ के कार्यकर्ताओं की तस्वीर पर मानवता की महक का शीर्षक लगाया था। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक